Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. After a long break, I'm back with another video that is about literature. In today's video, I'm going to discuss what is literature, types of literature, and importance and function of literature. So please stay tuned. Let's start. For understanding literature, we have to go back to the basic definition of literature, which is considered the body of written works of language, period or culture. यानी कि कोई भी written piece of work किसी भी language के अंदर, किसी भी period के अंदर या किसी भी culture से. लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि फिर literature के अंदर ऐसा खास क्या है जो इसे history से, philosophy से और बाकी fine arts से separate रखता है. बेसिकली लिटरेचर फाइन आर्ट्स ही है, जैसे म्यूज़िक है, डांस है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है. लेकिन लिटरेचर का बेसिक मकसद होता है एस्थेटिक प्लेजर देना, ना कि यूटिलिटेरियन पर्पस के गाइडलाइंस बताना क्या ठीक है क्या नहीं है. अब लिटरेचर को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि लिटरेचर की बेसिक टाइप्स कितनी हैं, क्योंकि वही क्लासीफाई करती हैं कि कैसे हिस्ट्री, बायोग्राफी, नेचुरल साइंस की बुक्स लिटरेचर से अलग है. हालांकि अगर जो मैंने पहली डेफिनेशन बताई उसे फॉलो करें, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी रिटन वर्क लिटरेचर है, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है. अब इससे समझने के लिए ये डेफिनेशन, बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिटरेचर को समझना ज़रूरी है, जो कि है अप्लाइड लिटरेचर और प्योर लिटरेचर. अप्लाइड लिटरेचर और प्योर लिटरेचर को समझने के लिए हम एग्जांपल के तौर पे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय डार्विन एंड ओ टू द क्रिएशन अर्न बाय जॉन कीट्स. अब बेसिक इसके अंदर सिमिलैरिटी देखें, दोनों रिटन वर्क्स हैं, दोनों पुराने हैं, अभी तक पढ़े जाते हैं. लेकिन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ को हम देखें तो उसके अंदर डार्विन ने कुछ फैक्ट्स बताए हैं, डिटेल्स बताई हैं, सर्टेन इंफॉर्मेशन दी है जो कि फैक्ट बेस्ड है. इसके कंट्ररी हम देखें तो जो ओड टू क्रिएशन अर्न है, अब इन एलिमेंट्स को हम कंपेयर करें ओड टू क्रिएशन अर्न के अंदर, तो उसके अंदर कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई सही गलत वाली बात नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, जबकि सारा का सारा फोकस जो है वो एक्सप्रेशन के ऊपर है. मेन डिफरेंस ये है कि अप्लाइड लिटरेचर के अंदर हम ऑथर को इग्नोर करके हम उसके वर्क के ऊपर सारा कंसंट्रेशन रखते हैं. जीनियस काफ़ी नहीं होता, बल्कि इसे कम्युनिकेट करना ज़रूरी होता है रीडर्स के लिए. इसीलिए कहा जाता है कि लिटरेचर कम्युनिकेट्स एक्सपीरियंसेस. आसान अल्फाज में अगर समझा जाए तो ऐसे एक्सपीरियंसेस जो ऑथर के माइंड में थे और उसने उन्हें कम्युनिकेट किया और ट्रांसफ़र किया रीडर के माइंड के अंदर. राइटर का सिर्फ मकसद ये नहीं होता कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, बल्कि ये होता है कि वो रीडर को ये फील करवाए कि उसने उस एक्सपीरियंस को कैसे एक्सपीरियंस किया. दस लिटरेचर इज़ एन आर्ट थ्रू विच द ऑथर ट्रांसप्लांट इट एक्सपीरियंस फ्राम हिज ओन माइंड टू द रीडर्स माइंड. अब जो ऑथर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो रियल हो, वो इमेजिनेटिव हो सकता है, ये किसी किस्म की डे ड्रीमिंग हो सकती है. अब एक अच्छे राइटर के लिए ये ज़रूरी है कि वो सेम फीलिंग, सेम इमेजिनेशन रीडर के माइंड के अंदर अराउज़ कर सके. और इस पर्पज़ को अचीव करने के लिए राइटर्स डिफरेंट सैम्बल्स यूज़ करते हैं अपने एक्सपीरियंस को प्रॉपरली प्रजेंट करने के लिए. और इसी सब के अंदर जो है एक आर्टिस्ट की, एक ऑथर की स्किल्स होती हैं, और इसी के अंदर राइटर्स की खूबसूरती होती है कि लैंग्वेज लिमिटेड हो सकती है पर इमेजिनेशंस लिमिटेड नहीं हो सकते. नाउ देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ लिटरेचर टू लाइफ. देयर इज़ एन इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन लिटरेचर एंड लाइफ. इनफैक्ट हकीकत यह है कि सब्जेक्ट मैटर जो लिटरेचर का है वो लाइफ है, जहाँ से ऑथर्स को रॉ मटीरियल मिलता है जिसे वो अपनी इमेजिनेटिव और लिटरेरी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेटेबल बनाते हैं. अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि लिटरेचर इज़ अ कम्युनिकेशन ऑफ राइटर्स एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, लेकिन इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बहुत से क्रिटिक्स ने क्वेश्चंस राइज किए, जिनमें सबसे पहले प्लेटो हैं, द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये डिस्कस किया कि लिटरेचर का लाइफ के साथ क्या रिलेशन है. उनकी जो डिस्कशन थी लिटरेचर के ऊपर, बेसिकली उन्होंने पोइट्री को रेफ़र किया, लेकिन पोइट्री के ऊपर जो इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया उसे हम
ओवरऑल लिटरेचर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। प्लेटो के नज़दीक पोइट्री या लिटरेचर इज़ इमिटेशन ऑफ लाइफ, और इसी बेसिस पे वो पोइट्स को कंडेम करते हैं, और ये ओपोजिशन वो अपनी थेरी ऑफ नॉलेज की बेसिस पे करते हैं। अब इस थेरी के अकॉर्डिंग उनका ये कंसेप्ट था कि जो ट्रू रियलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ आइडियाज़ में है, किसी भी चीज़ का आइडिया जो है वो ट्रू रियलिटी है, जिसे उन्होंने आइडियल फॉर्म कहा है। और जब हम उस आइडिया को फिज़िकल फॉर्म देते हैं तो वो ऑलरेडी एक इमिटेशन बन जाती है, एक आइडिया की इमिटेशन होती है। फिर उन्होंने ये कहा कि जो ऑथर्स या पोइट्स या ड्रामाटिस्ट होते हैं वो उस इमिटेशन को मज़ीद इमिटेट करते हैं। इस वजह से उन्होंने कहा कि पोइट्री और लिटरेचर एज अ होल इज़ एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन एंड दस ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रूथ। अब प्लेटो के इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि एक आइडियल फॉर्म और फिर फिज़िकल फॉर्म के अंदर क्या डिफरेंस है। अब प्लेटो के नज़दीक आइडियल फॉर्म कोई भी आइडिया होता है किसी भी चीज़ का। अब एग्जांपल हम लेते हैं चेयर की, ठीक है, हमें ज़रूरत पड़ी चेयर की और हमने एक आइडिया लिया, हमारे जहन में एक आइडिया आया कि एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके पर बंदा बैठ सके, कंफर्टेबल हो, ऐसी हो वैसी हो, ठीक है। तो ये एक आइडिया आ गया जो कि आइडियल फॉर्म है। फिर हमने क्या किया, उसे इम्प्लीमेंट किया, उसे हमने फिज़िकल फॉर्म दी, हमने एक चेयर की कंस्ट्रक्शन की। तो क्या हुआ, एक आइडिया क्या हो? हमने इमिटेट कर दिया फिज़िकल फॉर्म में। अब एक राइटर उस चेयर के बारे में लिखता है तो वो क्या है, ऑलरेडी एक जो चीज़ इमिटेट हुई है उसे दोबारा इमिट की। जो ये रीजनिंग थी इसके अंदर बहुत से एरर्स थे, उन्होंने लाइफ को एज अ फिलोसोफर और एज अ मॉरलिस्ट व्यू करके अपनी रीजनिंग दी थी। लेकिन लिटरेचर इससे बियॉन्ड है, क्योंकि राइटर्स कभी कभार कुछ ऐसा प्रोड्यूस करते हैं जो कि रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर होता है। और प्लेटो की इसी गलती को उनके स्टूडेंट एरिस्टोटल ने करेक्ट किया था, और उन्होंने प्लेटो के इस आइडिया के साथ अग्री किया था कि पोइट्री इज़ एन इमिटेशन ऑफ रियलिटी। लेकिन उन्होंने इस डेफिनेशन को मज़ीद मॉडिफाई किया था, ये कि उनके नज़दीक ये जो इमिटेशन थी रियलिटी की, ये ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है लाइफ की। एरिस्टोटल के नज़दीक पोइट्री सिर्फ आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड नहीं है, जैसा कि प्लेटो का कंसेप्ट था। एरिस्टोटल ने ये एक फार्मूला पेश किया कि पोइट सबसे पहले इंस्पिरेशन ड्रॉ करता है लाइफ से, वर्ल्ड से, थ्रू हिज पावर ऑफ इमेजिनेशंस, और फिर पोइट्री की मदद से, द आर्ट ऑफ पोइट्री हेल्प हिम टू इमिटेट दिस इमेजिनेटिव इंस्पिरेशन इन लैंग्वेज। एज अ होल लिटरेचर का लाइफ को एज इट इज़ इमेजिन करना इज़ एन ईजी टास्क, बट द एक्साइटिंग थिंग इज़ टू इमेजिन लाइफ एज इट माइट बी, and it is then that imagination becomes an impulse capable of inspiring poetry. Aristotle ने the concept of mimesis को इस तरह present किया अपनी book Poetics के अंदर, that imitation is as natural and valuable human activity that allowed people to learn about the world and themselves. According to Aristotle, the truth of poet is the universal truth. क्योंकि पोइट का कंसर्न ट्रूथ के साथ होता है, लेकिन वो जो ट्रूथ होता है वो किसी एनालिस्ट का नहीं होता, या किसी हिस्टोरियन का नहीं होता, या फोटोग्राफर का। किसी भी पोइट का काम इवेंट्स के बारे में लिखना नहीं होता कि क्या हो चुका है, बल्कि वो पॉसिबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी शो करना होता है जो कि पॉसिबल हो सकती हैं। और इसी वजह से पोइट्री ज़्यादा फिलोसफिकल होती है और एक पॉजिटिव सीरियस थिंग है। अगर उसे हिस्ट्री के साथ कंपेयर किया जाए तो पोइट्री की वर्थ हिस्ट्री से ज़्यादा है, क्योंकि हिस्ट्री पर्टिकुलर होती है, दिस इवेंट और दैट इवेंट, जबकि पोइट्री एक यूनिवर्सल थिंग है। एक पोइट अपने अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू हिज पोइटिक यूनिटी और पोइटिक ट्रूथ के अकॉर्डिंग वो टॉपिक सेलेक्ट करता है, और उस टॉपिक के अंदर से वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ड्राइव करता है जो कि रिलेटिव हों और रिप्रेजेंटेटिव हों। एज अ होल एरिस्टोटल के नज़दीक पोइट्री इमिटेशन ऑफ इमिटेशन है, जो शो करती है फंडामेंटल प्रोबेबिलिटीज़ को, ना कि कैजुअल एक्चुअलिटीज़ को। रियलिटी को प्रेजेंट नहीं करती बल्कि प्रोबेबिलिटीज़ को प्रेजेंट करती है। उम्मीद है इससे आपको बेसिक
कंसेप्ट की समझ आ गई होगी कि लिटरेचर क्या है, लिटरेचर की बेसिक टाइप्स क्या हैं, किस बेसिस पे उन्हें डिवाइड किया गया है और लिटरेचर का लाइफ के साथ क्या रिलेशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फंक्शन ऑफ लिटरेचर पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी तो प्लीज़ आप अपने रिव्यू शेयर करें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।